और अब बढ़ते आगे, मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से परेशानी भी बढ़ गई है। निचले इलाके में पानी घुसने से जीवन अस्त व्यस्त है। पानीगांव पुल के पास दो महिलाओं और दो बच्चों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव और स्टीमर से निकाला जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से मथुरा के कई गांव इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। तो वो तो घर पे थी, मैं तो कभी गोपाल गोशाला में कभी जाती थी, कभी घर आती थी। और भी लोग हैं, आती जाती रहती थी। अभी और लोग भी हैं वहाँ पे? वहाँ पे नहीं है, उसकी घर हमारे गाँव। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन भी सभी लोगों से अपील कर रहा है कि यमुना के किनारे आप ना जाएं, सावधानी बरतें। और मथुरा के विश्राम घाट का ये नजारा आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यमुना जल जो कभी घाट से बहुत नीचे हुआ करता था, आरती स्थल से काफी नीचे हुआ करता था, अब ये जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, बिल्कुल घाट के ऊपर यमुना का जल आया है। यहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं, जो आरती स्थल है बिल्कुल डूब चुका है। यहाँ पे जो आरती के समय में जो घंटा और घड़ियाल बजाया करते थे, अब पूरी तरीके से आप देखिए कितनी ऊंचाई पे था, लेकिन बावजूद उसके डूबने की कगार पर है। और पूरा जल जो यमुना का जल है वो इस समय घाट पर आ चुका है। जो श्रद्धालु है वो घाट से ही यमुना में अपना आचमन और पूजन कर रहे हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो लगातार सभी से अपील कर रहा है कि यमुना के घाटों से दूर रहें, यमुना से इस समय 24 से 48 घंटे तक दूरी बनाए रखें, क्योंकि लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है वो आने वाले समय में खतरा भी पैदा कर सकता है। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीमें अलर्ट हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे यमुना के जो बढ़ते जलस्तर को लेकर समीक्षा बैठक और अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। ऐसे में प्रशासन लगातार सभी लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग यमुना के किनारे ना जाएं, यमुना स्नान से बचें। और जो गांव यमुना के किनारे बसे हुए हैं उन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और लगातार प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट बोर्ड पर रखे गए हैं। सभी से अपील की गई है कि यमुना किनारे ना जाएं, स्नान से बचें, आचमन से बचें। कल शर्मा, जी मीडिया, मथुरा।